दोस्तों, किसने इन्वेंशन किया था 3-पॉइंट सीट बेल्ट का, किसके पास है इसका पेटेंट और क्यों हुआ इनको करोड़ों रुपए का नुकसान। दोस्तों, कार में बैठने के बाद सीट बेल्ट का इस्तेमाल तो हम सभी करते ही है, पर शायद हमने कभी नहीं सोचा कि इसका इन्वेंशन किसने किया है। देखिए, 1959 में वोल्वो के एक इंजीनियर ने दुनिया में सबसे पहली बार 3-पॉइंट सीट बेल्ट का इन्वेंशन किया। इससे पहले 2-पॉइंट सीट बेल्ट का इस्तेमाल हुआ करता था, जो हमारे सिर्फ लोअर पार्ट को ही प्रोटेक्ट करता था, जिसके कारण ये उतना सेफ नहीं था। उन्होंने उनकी इस इन्वेंशन का कभी पेटेंट नहीं करवाया, बल्कि फ्री टू यूज रखा, जिसके कारण 1964 में यूएस में जब कार के अंदर सीट बेल्ट का इस्तेमाल मैंडेटरी हुआ, तब उनके इस 3-पॉइंट सीट बेल्ट का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। अगर उन्होंने उनके प्रोडक्ट का पेटेंट किया हुआ होता तो इसके एवज में उनको लाखों रुपया मिलता। वही पेटेंट ना करने के कारण उनको करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। और वोल्वो के उसी इंजीनियर का नाम है नील्स बोलिन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।